दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गणित विषय का तीसरा मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि सभी टॉपिक और प्रश्नावली की वीडियो बना रखी है। यहाँ पर हम सिर्फ इनके आंसर की बात करेंगे और कैसा पेपर आ सकता है एग्जाम में उसकी तैयारी करेंगे। आपने पढ़ा होगा तो आपकी तैयारी कैसी है, बस उसी का आपको यहाँ पर अंदाजा लगाना है कि हमारी तैयारी कैसी है। चलिए, तो अब हम करते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, परिमेय संख्या -2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो योज्य प्रतिलोम क्या है ये आपको पता ही है, और -2/7 का योज्य प्रतिलोम हो गया अपना प्लस का 2/7। ठीक है, ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा क्या होता है, ये सब हमने वीडियो में डाल रखा है, तो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना। और भी मॉडल पेपर चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देना, मॉडल पेपर 1 और 2 की वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए, दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, तो प्रश्न जब सब समझ में नहीं आएगा तो आंसर हम नहीं बता सकते, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते, इग्नोर मारते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है अपना, सम चतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है। सम चतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है, तो प्रत्येक भुजा समान होती है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर लंबवत भी समान नहीं होते हैं। देखो, ये उत्तर इसका बी है, ठीक है ना। विकर्ण कभी समान नहीं होते, वो वर्ग होता है, वर्ग में समान होते हैं, सम चतुर्भुज में नहीं होते हैं। वर्ग और सम चतुर्भुज लगभग समान होते हैं, एक तो बीच के कोण में थोड़ा अंतर होता है वर्ग और सम चतुर्भुज में, भुजाएं इसके भी चारों समांतर होती है, विकर्ण आपस में लंबवत करते हैं, विकर्ण आपस में परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं, पर विकर्ण वर्ग में दोनों समान होते हैं, और 90 डिग्री का कोण होता है, इनमें 90 डिग्री का कोण नहीं होता है, सम चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं होता है, इसलिए विकर्ण भी कभी समान नहीं होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। चौथा प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या, देखो एक पासे में 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, सम संख्या कितनी होती है, 2 4 6, तो कितनी टोटल कितनी संख्या होगी, 6। संभावना कितनी बनती है, 6, ठीक है। टोटल संभावना कितनी हो सकती है, 6, और संभावित संभावना वो होती है 3, 2 4 6 हमें ज्ञात करनी है, तो 3 हो गई ये संभावित, और टोटल कितनी संभावना है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, टोटल 6 संभावनाएं आ सकती है और संभावित है 3, तो 3/6 = 1/2, तो इसका आंसर कितना हो जाए, 1/2। समझ में आया ना आपको? अरे यार, छोटा सा नॉर्मल प्रश्न है तो इसलिए मैं आपको सीधा टिक मार रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन होगा तो आपको आगे बताऊंगा। चलिए, पांचवा प्रश्न आ गया, ठीक है। पांचवा प्रश्न है अपना, रैखिक समीकरण की आवश्यक शर्त है, रैखिक समीकरण की आवश्यक शर्त है, तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेंगे, यहाँ पर वही प्रश्न आ गया वापस, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, रैखिक समीकरण। हाँ सही है, ये हो गया अपना आंसर पहला ही, क्योंकि रैखिक समीकरण आपको पता होता है, एक्स प्लस वाई प्लस कुछ भी कर लो, प्लस सी कर दो यार, ठीक है, ये अचर हो गया, ये चर हो गया, तो रैखिक समीकरण उसी को कहते हैं जिस चर की घात 1 होनी चाहिए, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। प्रश्न छठा है अपना, संख्या 64 का घनमूल, देखो घनमूल पूछा है, एक बात ध्यान रखना, घन और घनमूल का थोड़ा ध्यान रखना, वरना ऑप्शन में 64 का घन भी दे सकता है और आप घनमूल और घन में कंफ्यूज हो सकते हो। एग्जाम में मेन चीज यही है कि प्रश्न को आप बहुत ही शांति से पढ़ना चाहिए। तो छठा प्रश्न अपना, 64 का घनमूल, तो घनमूल क्या होगा, 64 का 4, क्योंकि 4 चौक 16 और होल चौक 64, ठीक है। तो ये अपना छठा प्रश्न हो गया। अब है सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न है 2^5 और 2^2 का अर्थ है, ये यहाँ पर गुणे का निशान है, ठीक है ना, पॉइंट लगा देता हूँ, पॉइंट का मतलब ही गुणा ही होता है। अब 8th में पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा, यहाँ दशमलव का मतलब, यहाँ पर संख्याओं के बीच में दशमलव आता है, वो दशमलव अलग होता है, ठीक है ना, जैसे मैंने 54.4 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, तो ये संख्या है और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2^5.2^2 का अर्थ क्या है, जब संख्या गुणे में हो तो घातें जुड़ती है, ये हमें पता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 - 2, 5+2 होगा, ये रहा ऑप्शन। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रखा है, ठीक है ना, तो आप समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी 5+2 नहीं लिखा हुआ है, तो अपना आंसर हो गया 1। आठवां प्रश्न है, चतुर्थांश कितने होते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर हो गया अपना 4, चतुर्थांश 4, लिख शब्द में ही इसका आंसर मिल रहा है, चतुर्थ अंश, तो 4 होते हैं। अब नवा प्रश्न करते हैं, अभाज्य गुणन विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
512 का घनमूल। तो आपको अभाज्य करना पड़ेगा, अभाज्य गुणन करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैंने पहले से ही कर रखा है। एक्चुअली क्या है ना, लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने अपना मतलब पेन से ही लिख कर पीडीएफ बना दिया है। तो आप देख सकते हो 512 का गुणनखंड हम पहले दो से जितनी बार कटता है काटेंगे, तो दो से ये कटा 256 आया, ठीक है। 512 में दो का भाग दिया, उसके बाद फिर दो का भाग जा रहा है तो दो का भाग दिया 128 आया, उसके बाद फिर दो का भाग दिया 64 आया, उसके बाद फिर दो का भाग 32, दो का भाग 16, दो का भाग 8, दो का भाग 4 और दो का भाग 2 बार, दो का भाग 2 में एक बार, ठीक है। तो ये हमने किया। तो यहां पर देखो पूछ क्या रहा है, एक बात ध्यान रखना, पूछ रहा है घनमूल, ठीक है ना, घन घनमूल और वर्ग वर्गमूल, इनका खास ध्यान रखे। यहां पर घनमूल पूछा है, तो घन हम जानते हैं कि तीन संख्याओं का गुणा होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड बना देंगे, तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, पता ही आपको। तो यहां पर ये तीन हो गए एक जोड़ा, फिर यहां पर ये तीन हो गए एक जोड़ा, फिर यहां पर ये तीन हो गए एक जोड़ा, तो कितने जोड़े बन गए, 1 2 3, टोटल तीन जोड़े बन चुके हैं। तो 2 × 2 × 2, दो का जोड़ा बना एक, तो यहां पर दो आ गया, यहां पर भी दो दो के जोड़ा बना तो यहां पर भी दो आ गया, यहां पर भी दो दो का एक जोड़ा बना तो यहां पर भी हम एक बार दो लिखेंगे, इन तीनों को गुणा कराएंगे कितना आएगा, 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घनमूल 8, ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। अब देखिए, अब है अपना प्रश्न, -2/3 × 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, छोटा सा गुणा भाग है, पर चिन्ह का ध्यान रखना। देखो 2 × 4 ऊपर वाली संख्या ऊपर में गुणा होगा, नीचे वाली संख्या आपस में गुणा होगी, फिर कटते हो तो काट देंगे, मतलब किसी का भाग जाता हो तो भाग दे देंगे। तो सबसे पहले 2 × 4 कितना हो गया, 4 × 2 = 8, लेकिन माइनस है तो माइनस का चिन्ह भी लगा देंगे। यहाँ पर देखो मैंने सॉल्यूशन लिखा है, 2 × 4 = 8 हो गया, 4 × 2 = 8 और नीचे हो गया 15। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/15, लेकिन चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इनका भी गुणा होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -8/15, ठीक है। अब हम करते हैं 11वां प्रश्न, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, एक सेकंड, 12वां का सॉल्यूशन आ गया इधर, ये रहा 11वां प्रश्न, ठीक है। सर्व समीका के उपयोग से 99 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, 99 का घात 2। अब हमें करना है सर्व समीका का उपयोग करके, चलिए 11वां प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखिए सर्व समीका आपने पढ़ा ही होगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सर्व समीका का मतलब आप जानते हो, जो भी संख्या नजदीक होती है जिसका वर्ग करना आसान होता है, ठीक है, जैसे कि 50 का वर्ग कर सकते हैं क्योंकि 5 का वर्ग हमें आता है और 0 का वर्ग तो जितना 0 होगा उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 99 100 के करीब है, तो हम 100 का मान मतलब 100 माइनस ये करेंगे तो कितना होगा, 99। तो हमने 99 को ऐसे लिख दिया, 99 को 100 माइनस एक होता है तो 99 ही है ना, तो हमने ऐसा लिख दिया। फिर ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया, आप सभी को पता ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, पर एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर लिखने की मेरे को जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस आएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया, ये हो गया a, 100 जो है वो a है और 1 जो है वो b है, तो 100 को लिख दिया, 100 का 100 हो गया a, तो a स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखो 2ab 2 सूत्र के हिसाब से, और a का मान 100 है और b का मान एक है, तो ये हो गया 100 × 1 × 2 और आगे माइनस लग गया। उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर, तो बी का मान हमारा एक है, तो माइनस 1 है तो -1 × -1 प्लस का 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 का स्क्वायर हमने कर दिया, 10,000 होता है, बहुत आसान है 100 का स्क्वायर तो निकालना, 99 का निकालना प्रॉब्लम करेगा, बस 100 का हमें पता है। फिर -2 × 100 × 1, तो ये हो गया 200, माइनस का 200, फिर हो गया प्लस का 1, तो ऐसे कैसे लिख दिया प्लस का 1। अब आपको जोड़ बाकी तो करना है, और करना क्या है, तो 10,000 में से 200 गया 9,800, उसमें एक जोड़ दिया 9,801, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया सर्व समीका का उपयोग करके हमने 99 का स्क्वायर निकाल दिया।
अब करते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखो क्या है, 2x-3 = 7 का हल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ आंसर लिखा हुआ है इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो देखिए 2x-7 = 2x-3 = 7। हल कैसे करते हैं, चर संख्या एक साइड में रखते हैं, अचर संख्या राइट RHS में रखते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को इधर भेज देंगे, ये लो हमने कर दिया, ये माइनस का 3 था, इधर आके प्लस का 3 बन गया, ठीक है। ये दोनों जुड़ के 10 हो गए, ये 2x ऐसे कैसे चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये 2x इन दोनों के बीच में क्या है, गुणे का निशान, 2x है ना, तो ये गुणे का निशान है, तो वो जब इधर आएगा तो भाग का निशान बन जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इस 2 को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और हमें हल करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। कभी प्रश्न आ जाते हैं x² + y² = कुछ भी ऐसा प्रश्न आता है, हल करो, इसका मतलब वो आपसे x और y के मान ज्ञात करना पूछ रहा है, ठीक है। तो हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना कि हल करना है मतलब करना क्या है, कुछ नहीं, x और y के मान ज्ञात करने होते हैं। और यहाँ पर x ही दे रखा है तो x के मान ज्ञात कर देते हैं। अब जो 2 था वो हमने इधर लेके आ गए, तो 2 10 में 2 का भाग दे दिया, 5 बार जाता है, तो x का मान कितना आ गया, 5। थोड़ी राइटिंग खराब है भाई, लेकिन आप समझ रहे हो, मेन चीज है आपको प्रश्न आपको खुद सॉल्व करना है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। और आज समझ लो 4 दिन बाद वापस यही एग्जाम दो, आप कितना अच्छा करते हो, मेन चीज यही है, ठीक है। अब करते हैं 13वां प्रश्न। निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या दे रखा है, ये एक चतुर्भुज दे रखा है, कौन सा है कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक चीज पता है, कौन सी, कि जब आयत हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, इन सब के अंदर के सारे कोणों का योग कितना होता है, 360। बस हमें तो बस इतना ही आता है कि त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, चतुर्भुज होता है तो 360 होता है, बस इतना ही तो पता है हमें, और इतना इनफ है, क्योंकि 3 कोण आपको दे रखे हैं। अब इन तीनों को जोड़ दो, आपने आपने जोड़ दिया, ठीक है, ये 13-12 कितना हो गया, 25, और ये 250 हो गया, फिर उसमें 50 जोड़ दिया, 300 हो गया, तो बचा कितना, आप देख लो टोटल 360 होता है, 300 हमें मिल गया, तो बचा कितना, 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60, ठीक है, इसका आंसर हो गया अपना 60, ठीक है। अब करते हैं 14वां प्रश्न, एक बार टोटल सही कर देते हैं, 12, 13, 25 और 5 30, सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 14वां, अवकाश दिनों, ये प्रश्न आ गया, प्रश्न में मिस्टेक है इसलिए ये प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न सही नहीं है इसमें, ऐसा ही एक प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा जो सही है, इसमें गलतियां हैं और ये प्रश्न भी पूरा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न है अपना, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, और आपको पता ही होगा प्रतिशत में बदलना है मतलब प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत जब भी लगाते हैं तो हम 100 का गुणा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग देते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 4/5, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा करेंगे तो ये 5 100 से कर नीचे किया हुआ है, तो हम 100 का गुणा कर रहे हैं, फिर 5 को 100 से काटा तो ये 20 बार गया, 20 × 100, और फिर 4 × 8 तो ये 80% हो गया, ऐसे कर सकते हैं, वरना 4/5, तो जो भी प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जो भी नीचे वाली संख्या होती है उस संख्या को हम 100 मान लेते हैं, जैसे यहां पर इस टाइम 5 है, ठीक है, 5 को 100 मानने के लिए हम क्या करेंगे, 20 का गुणा करेंगे, जब हम 5 में 20 का गुणा कर रहे हैं तब वो 100 हो रहा है, क्योंकि देखो एक ट्रिक होता है, ऐसे ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा शुरू में, पर ये बहुत अच्छी ट्रिक है, कोई भी संख्या होती है उसको आसानी से निकाल सकते हो, ये नीचे 5 है, अब ये 5 नहीं मान लो ये 100 है, ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो नीचे वाली संख्या को 100 मानना पड़ता है, तो ये 100 है, ठीक है, लेकिन यहां पर 5 दे रखा है, तो ये 100 कब होगा, 20 का गुणा करने पर, तो यहां पर भी 20 का गुणा कर दो, तो 20 का गुणा करने से क्या हो जाएगा, 80, तो हम कह सकते हैं ये 80% है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न जैसे ये 25 है, ये 25 नहीं है, ये 100 है ऐसा मान लो, तो ये 100 कब होगा, 25 को 4 से गुणा करने पर ये 100 हो जाएगा, और नीचे 100 ही मानना हमें, तो 4 का गुणा किया ना, तो यहां पर भी 4 का गुणा करो, तो 4 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8%,
तो यही ऐसा हुआ है 8%, वरना आप सीधा करो 100 का गुणा कर दो, ये 25 चौके 100, फिर 4 का गुणा करो, बात तो वही है, आना गुणा तो 4 का ही होगा और उत्तर 8 ही आना है, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना 16वां, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त अंक, अच्छा अंक और एक्स का मान ज्ञात कीजिए, दो प्रश्न है, एक में लुप्त संख्या एक में एक्स है, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, जोड़ और बाकी जोड़ और गुणा करना है, इसमें जोड़ करना है इसमें गुणा करना है। चलिए तो यहां पर दे रखा है 8, 5, 13 और एक संख्या गायब है, ठीक है, लेकिन नीचे है 7, ठीक है नीचे है 7, तो एक ही संख्या आएगी, फर्स्ट एक डिजिट का है, ठीक है, मतलब 1 से 9 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको चाहिए 7 और 13 तो हो चुके हैं, 8, 5, 13, तो 7 कब होगा, 17 बनाने पर 7 होगा पीछे, तो आप यहां पर 4 बना दो, तो ये हो गया 17, 8, 5, 13 और 4, 17, 17 का 7 हासिल लगा, एक ये एक लगा दिया मैंने इधर, फिर 2, 1, 3, ठीक है 3 और 9, देखो ये तो हो गया 3, ठीक है, और ये हो गया 3 और 9, 12, अब यहां पर कितना है 16, तो कितना नंबर मिस है इधर जो लुप्त है वो है 4, तो यहां पर हम 4 मान लेते हैं, तो दोनों ही जगह 4 और 4 आएगा, समझ गया, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लुप्त संख्या जो है वो है 4, वरना आप समीकरण बना के कर दो, देखो यहां पर देखो 7 आ रहा है ना, 17 आ रहा है मतलब, तो ये 8, 5, 13 और 4, 17, तो 8, 5, 13, फिर 17 में से हमने 13 घटाया तो ये 4 आया, ऐसा कर सकते हो, वरना नॉर्मली देखने से पता चल रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न करते हैं, एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो 68 × x बराबर 408, तो यहाँ x का मान क्या लगा है कि भाई 408 आ जाए, अब किसी संख्या को गुणा कराने से जो संख्या आती है अगर उस संख्या में उस संख्या का भाग लगा दे जिस संख्या से हमने गुणा कराया था, तो वही संख्या आ जाएगी जो संख्या यहाँ थी, नहीं समझ में आया ना, शॉर्टकट में समझाता हूँ, जैसे ये मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं a का b में भाग दे रहे हैं और भागफल आ रहा है c और शेषफल आ रहा है 0, नॉर्मल भाग देते हैं यही ऐसे ही देते हैं, तो हमने क्या किया a का भाग दिया b में तो c आया भागफल, तो अगर मैं इस भागफल को इस भाज्य से गुणा करा दूं भाजक से तो आंसर में क्या आएगा b आएगा ना, अगर a को b से भाग देता हूं और c आता है तो अगर मैं c और a का गुणा करा दूं तो b आएगा ना, तो वही करना है a और c का गुणा करवाना है और आपको b प्राप्त करना है, समझ गए, और b क्या है इधर b हो गया 408, ऐसे तो हो गया कॉमन सेंस, लेकिन अगर आपको इसको समीकरण बनाना हो तो मैंने यह समीकरण से किया है, देखो 68 × x इक्वल टू 408, ये अपना समीकरण बन गया, यही तो प्रश्न में दे रखा है, ये समीकरण बना दिया, अब हम क्या करेंगे x का मान ज्ञात करने के लिए इसको यहाँ पर नीचे लेके आ जाएंगे, क्योंकि गुणे में था तो भाग में हो जाएगा, और जब हम भाग देंगे तो ये चार बार नहीं जाएगा, चार बार कैसे जाएगा यार, 4 8 चौक 1 सेकेंड 68 × 4 करते हैं तो 8 चौक 32 आता है, तो पीछे तो 2 आता है, यहाँ पर तो हमें 8 चाहिए, नहीं ये यहाँ पर गलती हो गया भाई, सॉरी इधर थोड़ा गलत है, ये 8 6 48 होगा, ये 6 बार पूरा जाएगा, ठीक है ना, 68 × 6 होगा, तो 8 6 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 6 36 और 4 0 40, 36 और 4 40, तो 408 आ गया, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा 6 आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, भाग पूरा जाएगा 6 बार, और x का मान कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 17वां प्रश्न, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको इस संख्या को इससे भाग देना है, ठीक है, भाग मैंने यहां दिया है, आपको समझा देता हूं, देखिए ये पहली संख्या है 5x² - 6x और दूसरी संख्या है 3x, आपको भाग देना है, देखो चर से चर कटेगा अचर से अचर कटेगा, अचर यहां पर कुछ भी नहीं है सब चर है, लेकिन x² और x ये आपस में गुणा होते हैं और भाग भी होते हैं, लेकिन कभी प्लस माइनस नहीं होते हैं, समझ गए, जैसे कि x² + x मैं कर रहा हूं तो ये कभी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन x² × x कर रहा हूं तो ये जुड़ जाएंगे, घाते जुड़ेगी और ये हो जाएगा x³, समझ गए, तो यही होगा इधर गुणा और भाग होता है चर संख्या में, लेकिन चर में कभी जो प्लस और माइनस नहीं होता है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो x है पहले हम इसका बंटवारा कर देते हैं, या तो आप बंटवारा कर सकते हो इन दोनों को,
या फिर आप कॉमन ले सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक ट्रिक तो मैंने इधर लिख दी, मैं पहले ये समझा देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है और नीचे एक्स है। आपको एक्स काटना है तो आपको एक्स को बाहर लाना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं काट सकते, ठीक है। कैसे काटोगे वो भी बता दूंगा। अब देखो एक्स कॉमन लिया, यहाँ पर दो एक्स है, मैंने एक एक्स बाहर ले लिया, मतलब एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर ले लिया, तो यहाँ पर एक एक्स बच गया, ये मैंने बाहर ले लिया, एक एक्स बच गया। और यहाँ पर एक एक्स था वो भी हमने बाहर ले लिया, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, ये अब सीधा छः बच गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस एक्स से इस एक्स को काट दिया, तो बचा कुछ सिर्फ 5x-6/3। अब ये नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है, ये अब नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर भी 6 होता तो हम ये 6 कॉमन लेते, फिर 3 को 6 से भाग देते, 2 बचता और आंसर आता 2x-2। ये आंसर आ सकता था अगर यहाँ पर 6 होता तो, लेकिन यहाँ पर 5 है। दूसरा विधि क्या है कि हम ऐसा कर सकते हैं, 5x² को इधर लिख देते हैं, प्लस माइनस है तो इनको बंटवारा कर सकते हैं। बंटवारा कैसे करते हैं, ये माइनस यहाँ लगा दिया, ये नीचे वाली संख्या जो हर है ये हर सबके साथ जाएगा, ये 3x हो गया, दूसरा 6x है, ओके, ये इधर 3x हो गया। अब क्या करना है, अब काटना है, ये x से ये x एक बार कट गया, ये x से ये x कट गया, ये 3 से कट गया 2 बार। काटो तो काट दो, वरना काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ आंसर। अभी सरल करने से क्या हुआ, ये 5x हो गया, ये माइनस हो गया, ये 2 हो गया, और ये अलग है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, नीचे मत करना पूरा। और यहाँ पर हम कर दें 3 और यहाँ पर कर दें 1, क्योंकि 3x और 6x आपस में पूरा कट गया, 2 बचा। अब देखो हम वापस एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, ये फिर हो गया 3 से 3 कट कट एक बार भाग गया, फिर 1 बचा, फिर 5, 1 को 5x से गुणा किया तो ये 5x ऐसा कैसा आ गया, और ये माइनस में ये 3, 1 का भाग 3 में 3 बार गया, फिर 3 को 2 से गुणा किया, फिर 6 आ गया, और लास्ट में संख्या वही आएगी जो यहाँ थी, और यही संख्या वही है, ठीक है, 5x-6/3। समझिए, अगला प्रश्न करते हैं 18वां। ₹840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 417 में बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना होगा, ठीक है, बट्टा ज्ञात करना है और बट्टा प्रतिशत भी आपको ज्ञात करना है। भाई आपने कोई चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वो आपने 840 में अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 417 में बेच दिया, डिस्काउंट कितना दिया भाई, जो जो वस्तु जिस पे लिखा हुआ था 840 की है MRP मार्क प्राइस, फिर भी आपने उसको 417 में बेच दिया, कितना रुपए कम किया, जितना रुपए कम किया वही अपना बट्टा प्रतिशत हो जाएगा, तो निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप माइनस कर दो। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कितना माइनस किया, ये अपना 128 रुपए ये हमने लेस कर दिया, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया उसको, सामने वाले को, टोटल हमने कितना लेस किया, 126 रुपए, तो ये तो हो गया अपना डिस्काउंट 126। लेकिन वो पूछ रहा है डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज, बट्टा प्रतिशत भी पूछ रहा है, तो प्रतिशत भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे, कितने रुपए कम किए हमने, 126 रुपए, कितने पे, 126 रुपए जो है वो हमने कम किए 840 जो ओरिजिनल प्राइस थी, मार्क प्राइस 840 पे कम किया, और फिर 100 का गुणा कर दो। इसका ध्यान रखना, इसकी एक अलग से प्रश्नावली आराम से समझाऊंगा, फिलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं। इस पर इधर 0 से 0 गया, ठीक है, ये 5 बार गया, और ये भी 2 बार, ये हो गया 4 और ये 2, फिर ये 2 बार जाएगा शायद, 3 × 6 हो रहा है ना, और 4 × 12, ये बराबर 3 बार जा रहा है, और ये 3 × 5 = 15 हो रहा है, तो ये टोटल 15% हो गया। ये छूट दे दी हमने, कोई भी वस्तु थी 840 की 15% डिस्काउंट देके हमने उसको 714 में बेच दिया, ठीक है, ये प्रश्न हो गया अपना। अब नेक्स्ट प्रश्न है अपना 19-2/11, -5/11, -7/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर, अच्छा ठीक है, संख्या रेखा पर समझाना है, चलिए तो ये हमने आंसर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। देखिए ये एक संख्या, ये हमने एक लाइन खींच दी, वापस मैं आपको समझा देता हूँ, सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है, ये हमने लाइन खींच दी। अब आपको देखो इधर ये कितना है, अपॉन में 11 चल रहा है, मतलब सब में 11 का भाग जा रहा है, और ऊपर संख्या कितनी है, -2, -5, -7, -2, माइनस से पता चल रहा है कि संख्या 0 से पीछे है, तो ये सारी संख्या इधर होगी, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ,
ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये अपना हो गया जीरो, आगे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री सब है, ठीक है ना, ये आगे चल रहा है। हमें जाना पड़ेगा पीछे, क्यों? क्योंकि एक तो संख्या पॉइंटों में है, दूसरी बात संख्या है माइनस में, तो हमें चलना होगा पीछे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ आए, ये हो गया अपना माइनस एक, क्यों? क्योंकि संख्या पॉइंटों में है, जीरो और एक के बीच में है, वो भी माइनस में, तो ये जीरो हो गया, ये माइनस एक हो गया, इनके बीच में है अपना वो संख्या। कितनी संख्या है? चार संख्या है। हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल दस भाग होते हैं इसमें, हम दस नहीं मान के ग्यारह मानते हैं, ठीक है, ग्यारह टुकड़े कर दो इसके। अब मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ भाई, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ग्यारहवा तो यही हो गया, तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है भाई, थोड़ा इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया जीरो, ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस ही तो हुए, एक और कर देते हैं, और ये ग्यारह, ठीक है, ये हो गया ग्यारह। तो अब देखो ग्यारह हो चुके हैं, माइनस दो बटे ग्यारह, तो ये एक ये दो, ये हो गया अपना ए, फिर है माइनस पाँच, ये दो हो गया तीन, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया अपना बी, फिर है सात एक छोड़ के, ये हो गया सी, और फिर है नौ एक छोड़ के, ये नौ, ठीक है, ये डी हो गया अपना। अब देखो यहाँ पर निरूपित करना था, हमने ए बी सी डी लिख दिया, फिर ए का मान लगा दिया माइनस दो बटे ग्यारह, माइनस पाँच बटे ग्यारह, माइनस सात बटे ग्यारह, माइनस नौ बटे ग्यारह, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था। पर एक बात ध्यान रखना, जो आप यहाँ पर नंबर लगाते हो वही सबसे मोस्ट होता है, कि आपने यहाँ पर क्या नंबर लगाया, बीच में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है या थोड़ा गलती होती है तो चल जाता है। मेन चीज़ क्या है, ये जीरो और माइनस एक के बीच की संख्याएं हैं, ये आपको ध्यान रखना। कहाँ से पता चला, भाग दे दो, अगर आप ग्यारह का भाग माइनस दो में दे सकते हो तो ठीक है, ऐसे कर सकते हो, वरना हमें पता चल रहा है कि ग्यारह टुकड़े करने हैं टोटल, तो और वो भी माइनस दो माइनस पाँच में चल रहा है और नीचे ग्यारह है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो और माइनस एक के बीच की संख्या है। कैसे पता चला, ये देखो माइनस दो ये अपॉन इलेवन है, तो सबसे पहले हम ग्यारह का भाग दे देते हैं दो में, माइनस दो छोड़ो पहले दो दो में देते हैं, तो क्या होगा, ग्यारह में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो ये जीरो पॉइंट हो गया, फिर ये कितना हो गया बीस, फिर ये कितनी बार भाग गया एक बार, फिर ये कितना आया ग्यारह, फिर ये कितना बचा नौ, फिर यहाँ पर क्या हो गया जीरो लगाया, फिर ये कितनी बार जाएगा आठ बार, तो ये कितना हो जाएगा इटियासी, ऐसा जाएगा ना, तो आंसर क्या आ रहा है 0.18, 0.18, ये जीरो ये पॉइंट हो गया, इसके अंदर से क्या आ रही है ये 18 लगभग इधर आ गया, तो हमने ऐसा किया, ठीक है। ऐसा ही आपको अनुमान लगा के जीरो और एक के बीच में संख्याएं आई, क्या हुआ, हाँ, तो अब 20वां प्रश्न करते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और उनमें दो अनुपात पांच का अनुपात है, चलिए ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए यहां पर मैं सीधा आंसर दे रखा है, यहां पर सीधा समझा देता हूं, दो पूर्ण संख्या है, दो संख्याएं हमारे पास है, मेन चीज है उनका अनुपात, ये ज्यादा ध्यान रखना है। दोनों संख्याएं जो है वो एक अनुपात में है, निश्चित अनुपात में, वो अनुपात क्या है 2:5, तो हम क्या करेंगे, दो संख्याएं वो ए बी हो सकती है, एक्स वाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अनुपात से क्या हो रहा है, दोनों संख्याएं हम समान लेते हैं, मान लीजिए वो एक एक्स एक गुणांक है, क्योंकि अनुपात से हम गुणांक निकाल सकते हैं, तो हम ये अनुपात दे रखा है ना, इसकी सहायता से हम इनको गुणांकों में बदल देंगे। तो पहली संख्या हमने मान ली 5x, क्यों, क्योंकि ये 5:5 में है। दूसरी संख्या है 2x, क्यों, क्योंकि 2:5 दे रखा है। अब बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाएंगे हम, तो जो बड़ी संख्या है जिसका अनुपात बड़ा है, ये 5 बड़ा है ना, इसलिए मैंने 5 आगे लिखा, और 2 छोटा है तो 2 पीछे लगा, 2 पीछे लिखा। अब इन दोनों का अंतर क्यों, क्योंकि ये बोला दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, तो हमने 66 लगा दिया। अब आपको कहोगे सर ये 5x और 2x क्यों, क्या आपको तो ए माइनस बी करना चाहिए था, ए माइनस बी करना चाहिए था, ए माइनस बी भी कर सकते हो, पर इसके आगे जो हिंट दे रखा है वो आपको और आसान कर रहा है इसी प्रश्न को, इतना आसान कर रहा है कि आपको सीधा ए बी मानने की जरूरत ही नहीं, सीधे ए की चर मानने की जरूरत है, ए बी दो चर हो जाते हैं, एक्स वाई दो चर है,
पर यहां पर सिर्फ एक्स लगाया है, जिससे कि एक ही चर है और एक चर एक समीकरण से निकल जाता है, ठीक है ना। अगर एक चर हो तो एक समीकरण से निकल जाता है। तो यहां पर देखो 5x-2x क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में दो हिंट दे रखे हैं, दोनों की सहायता से हमने ये समीकरण बना दिया। अब नॉर्मल है, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, सॉरी 5 में से 2 गया, 3 बचा, और फिर यहां पर 66 था, 66 लिख दिया। फिर ये 3 गुणे में इधर भाग में आ गया, ये x का मान आ गया 22, 3 का भाग दे दिया 66 में, तो ये 22 आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 22। जब x का मान 22 आया तो वो संख्या क्या हो सकती है, 22 दुआ 44 और 22 पौड़िया 110, समझ गए। तो ये अनुपात हो गया 2:5 का, और इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 66। दी हुई आकृति समांतर चतुर्भुज PQRS का एक परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुणधर्म होते हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इनका विकर्ण जो होता है, ये विकर्ण खींच लेते हैं तो इनको दो भागों में बांट लेता है, दो त्रिभुजों में, ठीक है, ये सब जो गुणधर्म है। अब हमें क्या करना है, ज्ञात परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप तो बहुत आसान है, परिमाप होता है क्या, एक चक्कर लगाना है, एक चक्कर लगाना आपको, बस एक चक्कर लगा दिया। तो इसमें गुणधर्म में आपको भी पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उनमें आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, ये जो भुजा है ये इसके बराबर होगी, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, और ये 12 है तो ये भी 12 होगी। तो अब आपको एक चक्कर लगाना है, कुछ नहीं करना है, तो 12 और 12 24, 12 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 7। चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या है कि परिमाप बराबर 2 × b + h, लिखे l लिखे जो भी l लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी लंबाई, ठीक है, ये हो गई इसकी आधार, ये इसका आधार हो गया बेस, ठीक है ना, ये इसका बेस हो गया। तो यही है आधार इंटू लंबाई, तो ये हमने कर दिया। तो b का मान कितना, 12, तो 12 × 12 दो बार है इधर, ये 2b + 2l, यही हमने किया है, ये 2b ये 2l, तो कितना हो गया, इनको जोड़ने का है और कुछ नहीं करना है, 12 और 12 24 हो गए, और ये 24 + 14, इनको वापस जोड़ दो 38, तो परिमाप कितना आ गया 38, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इसको छोड़िए, ये गलत है, मैं आपको वापस लिख के दे देता हूँ। ये हो गया 12a, ये हो गया माइनस का 9ab, ठीक है, ये हो गया प्लस का 5b, और ये हो गया माइनस का 3। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है 4a, फिर हो गया माइनस का 7ab, फिर हो गया प्लस का 3b, और फिर हो गया प्लस का 12। अब चूंकि ये घटाना, हमें घटाना है, फिलहाल यहाँ प्लस है, घटाना है, तो सबके चिन्ह चेंज कर लो, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। जो प्लस था नीचे वाली संख्या में, ऊपर नहीं देखना है, जो प्लस का था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस का था उसको प्लस कर दिया। अब आपको घटाना है, ठीक है, जो भी चिन्ह दे रखा है उसको वो करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 3 -3 और -12, ये हो गया माइनस का 15, ठीक है, जोड़ दिया दोनों माइनस के, तो माइनस लिख दिया। ये 5b, ये माइनस का 3b, 5 में से 3 गया, ये बचा 2b, लेकिन बड़ा कौन है, प्लस वाला, तो प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। फिर ये माइनस, ये प्लस, वापस वही बात, 9 में से 7 गया, क्योंकि ये 9 माइनस का है, ये प्लस 7 का है, दोनों चिन्ह अलग है तो माइनस होगा। अब 9 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ये माइनस, ये 2ab, ठीक है। और ये 12 प्लस का है, ये 4 माइनस का है, तो 12 में से 4 गए, 8a, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि ₹5,000 के मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील ₹200 साधारण ब्याज देता है तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे अच्छी चीज है, आपको फॉर्मूला लगा के करो तो बहुत अच्छा है, वरना आगे जब आप 9th 10th जाओगे फिर, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप एग्जाम दोगे कॉम्पिटिशन, तब आपको ऐसे ही प्रश्न आएंगे और ऐसे ही घुमा फिरा के आएंगे, उनको आपको बिना कॉपी बिना पेन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकेंड में करना पड़ेगा, तो ना तो फॉर्मूला काम आएगा वहाँ पर,
ना ही ये ट्रिक काम आएगी। फिलहाल मैं आपको ये जो मेन चीज है एट्थ क्लास के लिए वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ब्याज होता है मूलधन से, मूलधन हम जो ब्याज का फॉर्मूला होता है वो हम क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। लेकिन ब्याज हमें दे रखा है 200 रुपये, तो यहाँ पर 200 लिख दिया। मूलधन दे रखा है, दर ज्ञात करनी है, समय 2 वर्ष दे रखा है, बटे 100 लगाना है। तो हमने क्या किया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, ठीक है, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो। अब देखो क्या करना है, दर को इधर लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 × 2 हो गया 10, तो इसको 10 × 10 लिख दिया, ठीक है। और फिर 200 तो यहीं पे था, फिर ये जो 10 गुणे में है, ये 10 जो गुणे में है उसको इधर लेके आ गए भाग में, ठीक है। तो ये कट गया 10 में, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 20 बचा, और ये 20 जो है वो दर है, तो यहीं पे आंसर आ गया, दर जो हो गई वो 20% हो गई। अब दूसरी विधि जो है वो मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो चीज़ है वो उसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा सही तरीके से, दर कैसे ज्ञात करते हैं, ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, सब चीज़ें उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वो आपको थोड़ा मतलब अच्छा ट्रिक होगी जो आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको फायदा करेगी, ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। 24वां प्रश्न है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा नंबर देता है। इसको आराम से प्रश्न को अपने फैमिली के ऊपर लेके समझो, आराम से होगा ये, आप और आपके पिता तो ऐसे अपने ऊपर लेके चलो तो ही आपको समझ में आएगा। प्रश्न कह रहा है अमन की आयु उसके पुत्र, तो अमन अगर यहाँ पर अमन मान रहे हो तो अमन अपने पिता हो गए, ठीक है। पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पिता कितना बड़ा है, पिता बड़ा है भाई, पिता बड़ा है वो भी 3 गुना, तो ये हो गया 3x। और छोटा कौन है, पुत्र, तो पुत्र की हमने मान ली x, तो पुत्र अगर x है तो पिता 3 बड़ा 3 गुना है, तो ये हो गया 3x। ये आपको सबसे पहले मानने होंगे, ठीक है, अमन बड़ा है, पिता है, तो पिता की आयु 3x हो गई, बड़ा हो गया इसलिए, तो 3 गुना होगी। और पुत्र जो है वो छोटा होता है उम्र में, तो वो एक x मान लिया हमने। अब प्रश्नानुसार क्या कहते हैं कि 3 गुनी पुत्र की आयु 3 गुनी है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब 10 वर्ष पहले, सबसे पहला तो फॉर्मूला बन गया ये x हो गया, ये 3x हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले चलो अगर आप आज 15 साल के हो तो 10 साल पहले 5 साल के थे। इसी प्रकार अमन जो है, जो पिता है, उसकी आयु कितनी है हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि वो 3x है। जितना भी होगा अमन का पुत्र उससे 3 गुना बड़ा अमन होगा, और अमन के जो उम्र है वर्तमान उसके 10 साल पहले, तो 10 माइनस करना पड़ेगा, जो भी उम्र थी उससे 10 माइनस कर दिया। 10 वर्ष पहले उसके आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी भाई साहब, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो 10 साल हमने माइनस किए हैं वो 5 गुना होगी पुत्र में, क्योंकि पुत्र और पिता बराबर करने के लिए पुत्र की आयु में हमें गुणा करना पड़ेगा 5 का, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने पुत्र की आयु में 5 का गुणा क्यों किया, भाई हम समीकरण बना रहे हैं और समीकरण बराबर करना है, तो पिता की आयु जितनी होगी ना उतनी की उतनी पुत्र की आयु अगर हम लिख देंगे तो वो दोनों उम्र बराबर हो जाएगी। पिता की आयु तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x - 10, 10 साल पहले, तो 3x - 10। पुत्र की आयु कितनी थी 10 साल पहले, तो जितनी भी थी वो 5 गुना है अपने पिता की आयु की, ऐसा प्रश्न कहा है, तो हमने 5 का गुणा कर दिया, ठीक है। 10 को भी 5 से गुणा कर दिया, एक्स को भी 5 से गुणा कर दिया, ये 5x - 50 हो गया। अब 3x - 5x, ये जो 5x प्लस का था उसको इधर हमने माइनस में ले लिया, और ये जो -10 था उसको हमने यहाँ +10 में ले लिया, ठीक है। ये -40 हो गया, -50 + 10 - 40, और ये -3x - 5x, तो ये -2x। अब ये माइनस यहाँ से और ये माइनस यहाँ से कट गया, फिर यहाँ x का मान ये 2 गुणे में था भाग में आ गया, तो ये x का मान कितना आ गया 20। x का मान 20 आया है, मतलब पुत्र जो है वो 20 साल का है, तो पिता कितना साल का होगा, पिता 60 साल का होगा, कितना 60 साल का। अब आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पर ये 20 साल का है और पिता जो है वो 60 साल का है। अब प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले कितने साल का था, 10 साल का,
और तो बाप बाप भी 10 साल पहले, जो पिता था वो भी 10 साल पहले 10 साल कम करेंगे, ये 50 का हो जाएगा। तो इनका अनुपात देखो, ये 5 गुना हो गया, पिता 10 से 50 5 गुना, और ये 20 से 60 कितना गुना है, 20 से 60 3 गुना। तो यही तो बोला है कि वर्तमान आयु तो 3 गुना है, लेकिन 10 साल पहले 5 गुना थी, बस हो गया अपना काम। तो ये आंसर है, एक्स और 3x का मान हमने निकाल दिया, कुल मिला के एक्स का मान 20 आया है, फिर पुत्र और पिता की आयु निकालनी है। अगला प्रश्न है, आर आई सी ई एक सम चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये एक सम चतुर्भुज है, आकृति एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया अपना एक्स, ये हो गया वाई, जेड किधर है, ये जेड है, ठीक है ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये अपना जेड हो गया, ठीक है, इसको आप जेड समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर एन तो है भी नहीं, इसको जेड समझ लेना। चलिए, तो आपको आंसर लिखना है, देखो यहाँ पर ये 13 दे रखा है, ठीक है, क्या ER इक्वल टू 13। सबसे इम्पोर्टेंट सम चतुर्भुज होता क्या है, देखो हमने दूसरा प्रश्न किया था, सॉरी तीसरा, ये देखो तीसरा प्रश्न हमने किया था, सम चतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है, ठीक है, गुणधर्म नहीं है ये पूछा था, पर यहाँ पर लिखा है सम चतुर्भुज की भुजाएं समान होती है चारों, तो ये हमने कहा था हाँ ये तो सही है, इसका गुणधर्म है सम चतुर्भुज का। दूसरी बात थी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, और तीसरी चीज थी विकर्ण परस्पर लंबवत भी होते हैं। तो ये तीन चीजें थी जो मेन है, और सम चतुर्भुज में ये तीन चीजें गुणधर्म है इसके, विकर्ण समान नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हमें यहां मिल जाएगा। देखिए प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, तो जितना ई आर है, जितना ई आर, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, जितना ई आर है, ई और आर है, उतना ही आर और आई है, उतना ही सी और आई है, और उतना ही ई और सी है, कितना कितना है, ये सभी अपना हो गया 13 13 13। तो सबसे बड़ी बात जेड, जेड हमें पूछ रहा आर आई, जेड यही है, तो जेड इक्वल टू 13 हो गया, क्यों, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, तो हमें पता चल गया जेड भी 13 हो गया। दूसरी बात देखो इधर एक्स, इसने बोला एक्स, ये एक्स इधर है, और ये कितना है 5। अभी हमने कहा था सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये जैसे एक विकर्ण है ई और आई, एक विकर्ण है, और ये दो भागों में बांट रहा है इसको कौन, सी और आर, तो ये जो है ना, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर है, समझ गए, तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, ठीक है, और ये अगर ये 12 है, ठीक है, ये यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया है, ये 12 ये है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो कुल मिला के जो एक्स है वो हो गया 5, और जो वाई है इधर 12 है ना, तो ये भी हो गया अपना 12, समझ गए, तो ये अपना आंसर आ गया, जो वाई है वो हो गया 12, जो एक्स है वो हो गया 5, और जो जेड है वो हो गया 13। ये एक आप देख सकते हो भाई, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अगर जोड़ोगे तो 13 का स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है, 3x8 होता है, नहीं समझे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 13, तो ये हो गया 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया, कोई भी मान लो, जैसे 12 लंब हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया, 5, 5 का स्क्वायर जोड़ दो, ये तो हो जाएगा 169, ये भी 169 हो जाएगा, 144 प्लस 25 जोड़ दो, 4 और 5 9, 9 हासिल लगा, 9 कोई हासिल नहीं लगेगा, 4 और 2 6, ठीक है, और ये 169 169, तो ये 3x8 बन रहा है, इसलिए ये सब बराबर हो रहा है, तो ये अलग है, ये चीज आपको मैंने ऐसे ही समझाई है आंसर चेक करने के लिए, मेन चीज एक्स वाई जेड के मान क्या कर रहे थे हमने कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न अपना है 26वां, जो कि ग्राफ ग्राफ है, देखो इसका प्रश्न तो हमने अपनी पिछली प्रश्नावली में करवाया था, ठीक है, वो वीडियो देख लेना, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी इसमें मैं नॉर्मली समझा देता हूँ कि यहाँ पर समय और साधारण ब्याज के मध्य आलेख दे रखा है,
एक वर्ष में 60 रुपए का ब्याज दिया, 2 वर्ष में 120 रुपए का दिया, 3 वर्ष में 180 का दिया, 4 वर्ष में 240 का दिया, 5वें में 300 का दिया। तो कुछ नहीं है, एक सीधी लाइन जा रही है अपनी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये एक चलो खींच देते हैं, ये अपना एक ये एक्स एक्स और वाई एक्स हो गई। अभी यहां पर देखो मेन चीज क्या है, ये जो है लाइन, ये हो गया अपना समय, सॉरी ब्याज, ये ब्याज मान लो या समय कुछ भी मान सकते हो, ये ब्याज हो गया, ये समय हो गया, मतलब वर्ष में। यहां पर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, यहां पर 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, इधर ये ब्याज आ रहा अपना, ठीक है, ये तीसरे का ब्याज, चौथे का ब्याज और ये पांचवे का ब्याज, जो 300 रुपए है। तो लिख भी दो, आप चाहो तो इधर लिख सकते हो, 60 रुपए, 120 रुपए, ठीक है, बी लिख रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ, ई लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो 300 रुपए, 240 रुपए, 180 रुपए, ऐसे, ठीक है। फिर मेन चीज क्या है, पहले साल में 60 रुपए का ब्याज, ये पहले साल में 60 रुपए का, दूसरे साल में 120, तीसरे साल में 180, चौथे साल में 240, पांचवे साल में 300। तो ये कुल मिला के ये जो एकदम सीधी लाइन आएगी, एकदम सीधी लाइन जो 45 डिग्री का कोण बना के जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो वो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, वैसे 45 का ही कोण है, पर आपको वो नहीं जानना है, बस आपको ये ऐसे आ रहे खींचना है, बहुत ही आसान है। तो ये अपना लास्ट प्रश्न था, वैसे ग्राफ के मैंने अलग से प्रश्न वाली वीडियो बना रखी, जरूर देखे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट मॉडल पेपर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।